धाराएं काम करती है इस दुनिया के अंदर। एक विचारधारा प्रेम करुणा अहिंसा की धारा है, एक धारा है हिंसा की धारा, तलवार की धारा। जो तलवार के दम से पूरी दुनिया का धर्मांतरण करने देना चाहते हैं, लेकिन भारत ने कभी स्वीकार नहीं किया, इसलिए भारत महान भारत कहलाया। और आज इस मंच के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं शक्तियों को कि भारत विश्व गुरु था तो अपनी प्रेम अहिंसा करुणा के कारण हमने तलवार से धर्म परिवर्तन नहीं किया, हमने प्रेम और भाईचारा दुनिया को सिखाया। ये हमारी तहजीब रही है, ये हमारी तजवीज रही है। और जो लोग सोचते हैं कि सनातन को मिटा देंगे, 150-150 संगठन काम कर रहे हैं, वो भूल जाएं कि ये कभी संभव नहीं है देश में, क्योंकि इस देश की नारी शक्ति हमारे साथ खड़े होकर के कंधे से कंधा मिला करके इस संग्राम में खड़ी। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले एक लुटेरा आया था भारत में 712 में, मोहम्मद बिन कासिम, आप ये इतिहास की छात्राएं पढ़ा होगा। उस लुटेरे ने सिंध पर आक्रमण करके और सिंध के राजा दाहिर को हराया, लेकिन ये सिलसिला यहां से शुरू होकर के कभी चंगेज खां, कभी नादिर शाह, कभी तैमूर लंग, कभी मोहम्मद गौरी, और फिर 1017 में एक लुटेरा आया महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने भारत की समृद्धि को देख करके धर्म परिवर्तन करने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किए, और 9वें आक्रमण में उसने जन्मभूमि पर आक्रमण किया। उसका एक मंत्री हुआ करता था पोतो भी, उसने किताब लिखी तारीख यामिनी, ये छात्राएं बैठी हैं इसे ध्यान से सुनेंगे आप। तारीख यामिनी में वो लिखता है कि ऐसी खूबसूरत इमारत न मैंने देखी थी, न मेरे सुल्तान ने देखी थी, ऐसा लगता है इसकी तामीर फरिश्तों ने की, बनाने में कम से कम 200 साल लगेंगे, इतना हमारा वास्तुकला, इतना हमारा स्थापत्य उस जमाने में हुआ करता था 1017 में। और 3 दिन की जद्दोजहद के बाद इस मंदिर को जमींदोज कर दिया। मैं आपको बता दूं कि 21 दिन तक मथुरा की गलियों में कतरेआम किया। और सबसे दुखद पहलू मैं आपको बता दूं, जो इतिहास के पन्नों में दफन होकर रह गया, कि 10,000 माताएं बहनों को भेजा करके काबुल की मंडियों में नीलाम कर दिया। यह सबसे बड़ा दुख का दिन था मेरे देश का कि मेरी माताओं बहनों को काबुल ले जाकर के नीलाम किया। ये तथ्य इतिहास के पन्नों से छुपा दिए गए। आज वो समय आया है कि सत्य सबके सामने, लेकिन हिंदुस्तान ने कभी हार नहीं। और 1150 में राजा विजयपाल सिंह देव के द्वारा पुनः मंदिर का एक भव्य रूप दिया गया और मंदिर का निर्माण कराया। यह सिलसिला यही नहीं थमने वाला था, सिलसिला यूं ही चलता रहा। और फिर 1488 में सिकंदर लोदी जब गद्दी पर बैठा तो इसने मंदिर को नाबूद कर दिया और यहां की मूर्तियों को ले जाकर के कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए और मांस काटने के लिए दे दिया। कौन सी विचारधारा के ये लोग हैं, क्या इस दुनिया से चाहते हैं? बात हो गया, अब हमको जागना पड़ेगा। सनातन की रक्षा के लिए हम सबको एकजुट होकर के एक मंच पर आकर के अपने सनातन की रक्षा करनी है। इसके बाद जनेऊ नहीं पहने दिए जाते थे, तिलक नहीं लगाने दिए जाते थे, यमुना ईशान पर कर लगा दिए गए। ये मेरे पूर्वजों ने भोगा है, मेरे पूर्वजों ने, हम सबके पूर्वजों ने देखा है इस हाल को। इस हाल में सोचिए, कल्पना करिए कि वो लोग कैसे जिए होंगे, कैसे सनातन को बचा करके आपको हमको सौंप गए। आज महाराणा प्रताप को क्यों पूछते हैं हम लोग, शिवाजी महाराज को क्यों पूछते हैं? इसलिए पूछते हैं कि उन्होंने घास की रोटी खा करके सनातन को जिंदा रखने के लिए तन मन धन जीवन देकर के सनातन को हमें सौंप भी गए, जैसे कि हम आज स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता के सांस ले पा रहे हैं। इसलिए हम उन महापुरुषों को पूछते हैं। आज हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस कैसा सनातन, कैसा भारत आने वाली पीढ़ियों को देना चाहते हैं। ये हम आपके ऊपर चिंतन का विषय, मंथन का विषय। इसके बाद
1488 के बाद में सभी ब्रजवासियों ने मिलकर के एक मंदिर का भव्य रूप दिया, भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन 1670 में औरंगजेब ने इस मंदिर को विध्वंस किया, और विध्वंस ही नहीं किया, 1526 में जब मुगल आए थे, बाबर आया था, तो एक घृणित मानसिकता के साथ आए ये लोग, और इन्होंने सबसे पहले भगवान राम के मंदिर को अयोध्या में तोड़ा। इनका उद्देश्य था कि भारतीय संस्कृति के केंद्रों को मिटा दें, सनातन मिट जाएगा और इस्लाम आ जाएगा। ये मुगलता था इनका, ये गलतफहमी थी, ये कभी संभव नहीं होगा, क्योंकि ये देश महावीर महात्मा बुद्ध का देश है, ये देश नानक और कबीर का देश है, ये देश अरविंद जैसे महान शिल्पियों का देश है, ये देश भगवान और राम और कृष्ण का देश है, इसकी कोई हस्ती नहीं है। ये देश अमरनाथ जैसी शिक्षण संस्था चलाने जाने ऐसी महान संस्था का देश है। 1670 में मंदिर को विध्वंस किया औरंगजेब ने, और मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बता दूं, इतिहास के पन्नों में जो चीजें दफन हो गई उन्हें लाने का प्रयास करता हूं आपके सामने, कि यहां से मूर्ति को ले जा करके भगवान कृष्ण की केशवदेव की जो मूर्ति थी उसे आगरा में ले जा करके जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद की शिवलिंग में वो मूर्ति लगा दी गई जो आज भी लगी है। हमने उसके लिए भी केस डाला है, हमको धमकी दी गई कि मार दिया जाएगा, आपको काट दिया जाएगा। हमने कहा कि तुम्हारी माँ ने इतना दूध नहीं पहुंचा पिया है पिलाया है कि तुम हम थे आ सको। करवाया था 1919 का, इसको की हटाने के लिए यूपीसीएस के जो इंटरमोटिव प्रेसिडेंट थे वसीम रिजवी, उन्होंने ये बोला था कि इस एक्ट को अबॉलिश किया जाए और ये देखा जाए कि अगर जिस जगह पे मस्जिद बनी हुई है उस जगह पे जाकर के देखा जाए, वहाँ की रिसर्च करी जाए, अगर वो जगह मंदिरों की है तो वो वापस करी जाए उनको। तो इस एक्ट को अब तक हटाया क्यों नहीं गया जब हमारे पास ये सब चीजें हैं कि ये मस्जिद जो है यहाँ की नहीं है या फिर जो जमीन है वो पूरी हमारी है, तो इस एक्ट को अब तक अबॉलिश क्यों नहीं किया गया? देखिए बहुत सुंदर, एक एक्ट आया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, और ये वर्षाकालीन सत्र में नरसिंह राव की गवर्नमेंट में लाया गया, और इसमें कहा कि जो भी धर्म स्थल है उसमें 1947 की स्थिति रहेगी, उसकी स्थिति को चेंज नहीं किया जाए। लेकिन यहां हम बता दें कि 1947 की स्थिति जब रहेगी, जब वो मंदिर था तो मंदिर रहेगा, मस्जिद थी तो मस्जिद रहेगी। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को चैलेंज दिया है, पीआईएल दाखिल है, उसकी सुनवाई हो रही है, और हमने कहा कि भाई जो मंदिर था उसका धार्मिक चरित्र क्या है, धार्मिक चरित्र समझते हो, उसका रिलीजियस करेक्टर क्या है। अगर वो मंदिर था 1947 से पहले तो मंदिर रहेगा, मस्जिद थी तो मस्जिद रहेगा। तो ये कोर्ट में भी कल सुनवाई हुई, हमने कहा कि प्रॉपर्टी का धार्मिक चरित्र क्या है, यहाँ धार्मिक चरित्र मंदिर का है, मंदिर के पूरे प्रतीक बने हैं, पूरे सिस्टम मंदिर के हैं, वास्तुकला मंदिर की है, स्थापत्य कला मंदिर की है, तो ये मस्जिद है ही नहीं। तो कोर्ट ने इस आधार पर इसको स्वीकारा है, इसकी सुनवाई हो रही है, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को हमने चैलेंज किया है। आशा है, विश्वास है कि इस काले कानून को भी हम देश से हटाएंगे और समाप्त कराएंगे, और जो 400,000 मंदिर ले गए मस्जिद बना दी गई है वो 400,000 मंदिर लेंगे, इससे पहले कोई समझौता नहीं करेंगे। को लेकर के और अमरनाथ महाविद्यालय में कार्यक्रम इतिहास पर एक सेमिनार आयोजित की गई, और जिसमें कि इतिहास की छात्राएं अमरनाथ विद्यालय का सभी स्टाफ रहा, और इसमें विशेष रूप से हमारा ये मानना था कि जनजागृति अभियान के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, एक चेतना के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, और हम उन तथ्यों को उस सत्य को सब तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध होकर के हर विद्यालय जा करके, महाविद्यालय जा करके, यूनिवर्सिटी में जा करके श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जो जिस तरह से पुत्रों के मस्जिद बनाई गई उस विषय को रख रहे हैं, लोगों को सत्य से अवगत करा रहे हैं, लोगों को एक चेतना लाने के लिए, सनातन के प्रति चेतना लाने के लिए एक चेतना अभियान हमने शुरू किया है। तो आज उसी के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, और इसमें विशेष रूप से यहाँ की छात्राओं को इतिहास के बारे में, श्री कृष्ण का जन्मभूमि का जो इतिहास है उसे अवगत कराया गया, जो तथ्य इतिहास में दफन कर दिया गया, इतिहास के पन्नों में दफन करके सत्य को आगे नहीं आने दिया गया, आज उनके सामने इस तथ्य को हमने रखा। हमारी ये मुहिम, हमारा ये अभियान जारी रहेगा सतत, और प्रत्येक विद्यालय जाएंगे, महाविद्यालय जाएंगे, सेमिनार्स करेंगे, और लोगों को इस सत्य से अवगत कराएंगे। आज इसी उद्देश्य को लेकर के कार्यक्रम आयोजित किया गया, और ये हमारी कोशिश है
कि ये विषय हर घर तक, हर गांव तक, हर गली तक और हर शहर तक और हर चौराहे में पड़ तक श्री कृष्ण ये हमारे देश के लिए प्रतिबद्ध है। साहब जिस तरीके से पूरा मामला चल रहा है आपके एस आई का भी एक लेटर आया है उसमें स्पष्ट किया गया है कि जो जन्मभूमि परिसर है पूरा ये एस आई के अंडर है, तो प्लेसेस और बर्थ से फैक्ट पर किस तरीके से वो आप इंतजार प्रभावी करता है किस क्या है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रॉपर्टी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम है, 13.37 एकड़ जमीन खसरा खतौनी में इसका नाम दर्ज है, नगर निगम के असेसमेंट में नाम दर्ज है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी हमने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से एक लेटर प्राप्त हुआ है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस प्रॉपर्टी का संरक्षण एसआई करता है। तो यहाँ दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम है, संरक्षण एसआई करता है, तो जो कब्जा करके बैठे हैं वो कौन लोग हैं, उनकी जाँच होनी चाहिए, ये इंक्रोचर हैं, इनकी जाँच होनी चाहिए और इन्हें दंडित किया जाना चाहिए कि भारतीय संस्कृति के खिलाफ, भारतीय सभ्यता के खिलाफ एक षड्यंत्र कर रहे हैं। आज वो समय आ गया है कि हम चाहते हैं कि इन तथ्यों की जांच हो। आप इन लोगों का क्या लेना देना है, ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे गोविंद की भूमि को कब्जा करके बैठे हैं। हम ये चाहते हैं कि इसकी उच्च स्तर की जांच हो करके वो जो लोग इसमें शामिल हैं उनके मुँह उनके मखौटे शामिल आने चाहिए। ये लोग औरंगजेब के परिवार के हैं या भारतीय संस्कृति में विश्वास करते हैं, ये आज तय हो जाना चाहिए, क्योंकि औरंगजेब के नाम ये प्रॉपर्टी नहीं थी। औरंगजेब आक्रांत था 1526 में बाबर आया था, उसका वंशज है। तो जो लोग लड़ रहे हैं वो पहले अपना स्टेटस क्लियर करें कि वो है कौन, कोर्ट में जाने जा गए हैं, 7 रूल 11 की एप्लीकेशन लगाइए, पोषणता को लेकर एप्लीकेशन लगाइए। लेकिन आज ये समय आया है, ये पूरा भारत जानना चाहता है, पूरे सनातन धर्म ही जानना चाहते हैं कि ये लोग कौन हैं, पहले अपना स्टेटस क्लियर करें।